खुशहाली, प्रदेश में अच्छी बारिश हो, इस लेकर इन प्रयास किए जाते हैं। सरकार की तरफ से भी प्रयास होते हैं और एक प्रयास ऐसा भी होता है जिससे देवी देवताओं को भी खुश किया जाए, उनकी कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। और शायद इस मामले में बीजेपी एक कदम आगे ही रहती है और अक्सर ये देखने को मिलता है। इस बार गौरीशंकर श्रीवास जी ने ये पहल की है और इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। गौरीशंकर श्रीवास जी हमारे साथ में खुद मौजूद है रायपुर स्टूडियो में बीजेपी की तरफ से, और कांग्रेस की तरफ से धनंजय सिंह ठाकुर जी मौजूद है। आप दोनों का हम यहाँ पर स्वागत करना चाहेंगे। गौरीशंकर श्रीवास जी, मकसद तो काफी अच्छा है आपका, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो सियासत भी होती नजर आती है अक्सर। इस पहल को अगर देखा जाए, क्या लगता है कि किसानों के की खुशहाली के लिए जो आपका प्रयास है, इसमें कहीं ना कहीं देवी देवताओं की भी भूमिका इसके जरिए हो सकती है? निश्चित तौर पर बिल्कुल हो सकती है गांधी जी, आपके सवाल से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ मैं। देखिए, बात यह कि हमारी प्राचीन मान्यता आप देखेंगे, ये उसी की पुनरावृत्ति हो रही है। प्राचीन मान्यताओं में इस बात का पूरी तरह स्थान है कि यज्ञ हवन सामूहिक उपासना से भगवान वरुण देव को प्रसन्न किया जाता था, और बात प्रदेश की खुशहाली का है, देश की खुशहाली का है, सर्वधर्म संपन्न सर्वधर्म की ओर बात करते हैं। और निश्चित तौर पर बहुत अच्छा प्रयास है, सभी वर्गों को इसमें करना चाहिए। सियासत का ऐसे कार्यों में कहीं भी स्थान नहीं होना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एजेंडा है, सबका अपना एजेंडा है। कांग्रेस पार्टी अगर इस बात की आलोचना करती, बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है। अगर वो खुद यज्ञ हवन नहीं करती है, कोई और कोई वर्ग उसमें यज्ञ हवन करता है, तो ये तो आसुरी शक्ति वाली बात हो गई। पहले जमाने में देखा जाता था पौराणिक काल में, यज्ञ हवन में आसुरी शक्ति आकर उसको बाधित करने का कार्य करती थी। ठीक वैसे ही आज के परिप्रेक्ष्य में दिख रहा है, अगर कोई यज्ञ हवन हो रहा है प्रदेश की खुशहाली के लिए हो रहा है, तो इनको तकलीफ क्या है? लेकिन आपको यहाँ पर टोकना चाहूंगा, आपने जो जिन शक्तियों का जिक्र किया, उस शक्ति तो आपने, लेकिन इसमें एक बात आपने और कही, एजेंडा। एजेंडा तो आपका काफी कुछ है, एजेंडा तो एक आपका हिंदुत्व भी है। निश्चित तौर पर हिंदुत्व हम सनातन धर्म का न्यायी है, और हिंदुत्व हमेशा हमारा एजेंडा रहा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। हिंदुत्व एजेंडा से इन लोगों को काफी तकलीफ होती है, इनको भगवा रंग से तकलीफ होता है, इनको धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ हर वो चीज जो सनातन धर्म की प्राथमिकता को जोड़ देता है, उनसे इसको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ये बड़ा दुर्भाग्यजनक बात है। अब ये भले साफ हिंदुत्व की बात अपना रहा, जब से एक एंटोनी जी की रिपोर्ट आई, अब ये जनेऊ धारण कर रहे हैं, मंदिर मंदिर घूम रहे हैं, ये अलग विषय है। लेकिन बात यहाँ पे आपकी धार्मिक आस्था क्या है, आप प्रदेश की खुशहाली के लिए अगर आप ये यज्ञ में शामिल होते या खुद ऐसा यज्ञ का आयोजन करते तो बहुत अच्छा अच्छी बात थी। सवाल यहाँ पे प्रदेश के किसानों का है, बेहतरी का है, इससे अच्छी कोई पहल नहीं हो सकती, क्योंकि यज्ञ का पौराणिक हमारे भारत देश में काफी अच्छी मान्यता रही। मान्यता है। धनंजय जी से सवाल लेता, धनंजय जी, इस पहल को आप किस तरह से देखते हैं, कांग्रेस किस तरह से देखती है? देखिए, अभी कल मोदी सरकार के 4 साल के पूरे होने पर उनके गुणगान करने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा रायपुर में थे, और उन्होंने एक बात कहा कि चुनाव से विकास का कोई लेना देना नहीं है, उनकी पार्टी चुनाव जो है गड़ी से जीतती है। और मुझे लगता है कि पूर्व में जिस प्रकार से राम मंदिर निर्माण की बात, धारा 370 हटाना, समान नागरिक संहिता सहित बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, आतंकवाद मुक्त भारत, रोजगार सबके हाथ में देना, महिलाओं की सुरक्षा देना, कहीं न कहीं कल जेपी नड्डा के बयान से स्पष्ट हो गया कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का चुनावी गणित का हिस्सा है। ठीक उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी अब कई प्रकार के गणित करने का प्रयास यहाँ पे कर रही है। लेकिन यज्ञ में क्या गणित दिखता है आपको? देखिए, पहली बात तो मैं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के नेता के उस बयान पे आपत्ति दर्ज कराता हूँ कि हमने वरुण यज्ञ को लेकर किसी प्रकार की आपत्ति दर्ज कराई है। खुद ही संशय पाल लेते हैं, खुद ही भावनाएं पाल लेते हैं, खुद ही मनगढ़ंत कहानी करते हैं। हिंदुत्व का एजेंडा कांग्रेस पार्टी ने वरुण यज्ञ का किस नेता ने विरोध किया पहले ये बता दें आप। खुद यज्ञ करते हैं, खुद उसमें आहुति डालते हैं और खुद असुरों की तरह बात करते हैं। आप खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको यज्ञ करने की मंशा क्या है। मान सकते हैं ना कि हिंदुत्व के एजेंडे में ये भी एक एजेंडे के तौर पे उसमें शामिल है, आपको हिंदुत्व का विरोध करना है। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की एक संदेश को यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हम धर्म निरपेक्ष देश में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई धर्म नहीं है, हमारा भी धर्म है, और हम यहाँ पे निवास कर रहे सभी धर्मों का, सभी समाजों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है, सभी धर्मों का,
सम्मान कमाना हमारा दायित्व है। हमारे प्राचीन काल में भी जिस प्रकार से मंत्रों का, देवी शक्तियों का और भी बहुत सारे ताकतों का हाथ रहा है उन्नति पे, विकास पे, निश्चित तौर पर वो आज भी कारगर है और आज भी सफल है, लेकिन उसको करने की मंशा स्पष्ट होनी चाहिए। आज जिस प्रकार से वरुण यज्ञ किया जा रहा है, जब मौसम विभाग ने बता दिया कि प्री मानसून का भारत में लक्षण मिल गया है, तीन दिन पहले मानसून केरल पहुंच चुका है और छत्तीसगढ़ पहुंचने वाला है, तब इस प्रकार के वरुण यज्ञ कर कहीं न कहीं ऊपर वाले के द्वारा जो यहाँ के किसानों को दिया जा रहा उपहार है बारिश का, उसका भी श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेने में तुली हुए, इस बात को लेकर आपत्ति है। आपने राजनीति से तो इसे जोड़ी दिया ना। मैं कहना चाहता हूँ, आपने वरुण यज्ञ भी क्यों किया? सूखा पड़ा इस राज्य में, आपने उस समय वरुण यज्ञ क्यों नहीं किया? क्या उस समय वरुण यज्ञ करके किसानों को पानी दिलाने की आवश्यकता नहीं थी? आज भी कुटिल मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की इस यज्ञ के द्वारा परिलक्षित होती है। भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए, ये यज्ञ जो है उद्योगपतियों को जल बेचने के लिए है कि किसानों को जल देने के लिए है? क्योंकि जब किसान जल मांगते हैं तो यही सरकार के लोग उनके ऊपर लाठी बरसाते हैं, तो कहीं ना कहीं सारी चीजें जो प्रोपेगंडा का हिस्सा इनका, यज्ञ देव पूजा देव दादा की पूजा किसी भारतीय जनता पार्टी ने की, लकीरें थी तो आप भी तो यज्ञ करा सकते थे उनकी खुशहाली के लिए। हमने किया, हमने परमपिता परमेश्वर से मांगा, किसानों की खुशहाली मांगा, किसानों की दुख तकलीफ को दूर करने के लिए हमने यज्ञ हमारी भी, हमने हमारे लोगों ने जाके मंदिरों में पूजा किया, राम सत्ता जैसे आयोजन किया कांग्रेस पार्टी ने, और गांव में आप जाकर देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राम सत्ता जो छत्तीसगढ़ में प्रचलित है, अगर पानी ना गिरे तो पूरे गांव वाले मिलकर राम सत्ता करते हैं, कांग्रेस पार्टी में सहभागिता रही है, खड़ी राम सत्ता हमने किया है, बहुत सारे मंदिरों में पूजा अर्चना किया है। ये समझना चाहूंगा कि ठीक ऐसी स्थिति क्यों निर्मित होती है, हम भगवान भरोसे क्यों रहते हैं? बहुत बड़ा जो भूभाग है वो वर्षा के पानी से ही सिंचित होता है, लेकिन वर्षा के पानी की ही व्यवस्था समुचित तरीके से कर लिया जाए, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है। गौरीशंकर जी, मेरा सवाल आपसे है कि हम भगवान भरोसे ही क्यों रहते हैं? अगर हम उसका समुचित व्यवस्था कर ले तो शायद किसानों को कभी पानी की किल्लत ही ना हो। निश्चित तौर पर इस कथन से सहमत हूं मैं, और लगातार इसमें कार्य हो भी रहे हैं, पहले से काफी जागरूकता आई है, वृक्ष भी लोग लगा रहे हैं, स्वस्फूर्त बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी है, हर नागरिक का दायित्व है, उस नागरिक हर नागरिक अपने दायित्व का बहुत अच्छे से निर्वाह कर रहा है। देखिए वृक्षारोपण और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये दोनों को बहुत अच्छे से लागू किया गया और सभी लोग इसमें पूरी तरह जागरूक हुए। इसका लेकिन आप तो भरोसे यज्ञ के भरोसे हैं साहब। देखिए यज्ञ हमारी आस्था का विषय है, राम सत्ता की बात कर रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ प्राचीन काल से देखिए जितने जटाधारी हमारे साधु संन्यासी सामूहिक जो उपासना करते थे वो यज्ञ में होती दी जाती, उसका कारण एकमात्र यह था कि सामूहिक उपासना के साथ साथ यज्ञ से जिस प्रकार की जो निर्दोष में पदार्थ निकलते हैं उसका प्राकृतिक में बड़ा महत्व है, उस शुद्धिकरण में भी उसका बहुत बड़ा उल्लेख मिलता है, ये सभी पुराणों में इस बात का स्पष्ट रूप से उस बात का व्याख्यान है। अब आप कहते हैं राम सत्ता करें किसान सबको, आपका आपका आस्था का विषय, बिल्कुल कीजिए, लेकिन फिर बात वहीं पे आती है कि यज्ञ करने से आपको किस प्रकार की आपत्ति थी, जिस बात को आपने कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, कल इनके नेताओं ने नसीहत दे डाली यज्ञ नहीं होना चाहिए, वृक्षारोपण होना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसे किसी नसीहत की जरूरत नहीं है, वृक्षारोपण भी हो रहा है, यज्ञ भी होगा, यज्ञ करने में अगर आपकी आस्था नहीं है, आपका सामर्थ्य नहीं है, वो आपको मुबारक हो, लेकिन बात सनातन धर्म की है, बात मान्यताओं की है, बात हमारी पौराणिक कीर्तियों की है, तो उसको हमने कहीं ना कहीं उसकी पुनरावृत्ति करते हुए हमने यज्ञ का आयोजन किया, आपने नहीं किया, आपको साधुवाद, जनता सारी चीजों को देख रही है, सवार प्रदेश के किसानों की बेहतरी के लिए है, जन कल्याण के लिए है, तो इस चीजों में ठीक है जन कल्याण के लिए, लेकिन आपने अपने कथन में पहले जिस तरह से जो शुरुआत में जो आपने बात रखी उसमें आपने कहा कि पहले यज्ञ में आसुरी शक्तियां व्यवधान डालती थी और आज भी वो विद्यमान है, मतलब आसुरी शक्तियां किसको किसको इशारा करने उन लोगों को है जो इस प्रकार के यज्ञ को उचित नहीं मानती है। कांग्रेस को सीधे सीधे निशाना चाहते हैं इसके जरिए? वो सारे लोग जो विकास के विरोधी हैं, वो सारे लोग जो भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे कंठ तक, आज वो कहीं ना कहीं विशाल असुर की शक्ति का बिल्कुल स्वरूप बनकर सामने आ गए, और ऐसे लोगों को धराशाई करने का काम लगातार हमारी पार्टी कर रही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ये व्यक्तिगत टिप्पणी के तौर पर देखा जाए, शक्ति के रूप में विद्यमान है। देखिए पहले तो मैं इस बात को आपत्तिजनक मानता हूं, तो स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर आसुरी शक्ति इनको कहते हैं, कौन है इस राज्य में आसुरी शक्ति, ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। अगर कोई आसुरी शक्ति इस राज्य में है तो भारतीय जनता पार्टी के विनाशकारी नीति आसुरी शक्ति है। किसान आत्महत्या किए, 1365 किसानों ने आत्महत्या किया है, तब आपने आपने यज्ञ क्यों नहीं किया? आपने यज्ञ क्यों नहीं किया?
अगर कांग्रेस पार्टी के लीडर कह रहे हैं कि पर्यावरण दिवस है, 49 करोड़ पेड़ लगाने का आप दावा कर रहे हैं, क्या पेड़ लगाना यज्ञ नहीं है? यह भी एक महान यज्ञ है, खून देना महान दान कहलाता है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी जो है आडंबर कर लोगों की भावनाओं को खेलकर, धर्म का उपयोग करके, लोगों को भावनाओं करके चुनावी गणित के तौर पर इस यज्ञ कर रही है। इसके यज्ञ से अगर किसी को लाभ होगा तो भारतीय जनता पार्टी को लाभ होगा, भारतीय जनता पार्टी के उद्योगपति को लाभ होगा, जिनको ये पानी किसानों के पानी को बेचते हैं। किसानों की अगर हित की बात करते हैं, पिछले बार आपने क्यों नहीं किया जब सूखा काल पड़ा तो? अगर आप आपने रिकॉर्ड दिखाई आप के लिए बता दो कि अक्सर ऐसे यज्ञ होते रहे हैं, गृह मंत्री जी आप कौन ने भी कई बार यज्ञ किया है, हर साल राहुल जी भी करते हैं। किसान का आप भारतीय जनता पार्टी किसान क्यों नहीं पाए? लेकिन आप दीनदयाल की कथा सुनते हैं, आपके प्रवक्ता एक मीडिया चैनल के बयान बोलते हम सत्यनारायण की कथा नहीं सुनते, आप खुद तय नहीं कर पा रहे हैं आप क्या कहना चाहते हैं। और कांग्रेस पे आरोप लगा के आप अपनी सरकार की विफलताओं को छुपा नहीं सकते हैं। छत्तीसगढ़ का किसान परेशान है, किसान हैरान है, किसान हताश है। मधन जी आप ये मान के चलते हैं कि सरकार की विफलता को छुपाने के लिए यहाँ पे यज्ञ का सहारा लिया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल यज्ञ का सहारा लिया जा रहा है। अगर किसानों के हित की बात करते तो यज्ञ तो होना चाहिए, पूजन पाठ होना चाहिए, लेकिन स्वच्छ मन से होना चाहिए, उसमें कुटिलता नहीं छलकनी चाहिए। जो बांध की पानी है, जो बांध की पानी है, उसको किसानों के पानी को उद्योगपति को बेचते हैं और किसानों के लिए नौटंकी कर रहे हैं। वही बात आ रही है, स्वच्छ नहीं तो आप बिना सीखे आए बता दीजिए। आपने किसानों को बांध का पानी क्यों बेचा? आपने बांध क्यों बेचा बताइए ना। आप सीखे पड़े सीख लीजिए, अगर सीख लीजिए ऐसा आरोप लगाने से काम नहीं चलता। मन स्वच्छ नहीं, मन उन लोगों का स्वच्छ नहीं है जो मन से पीड़ित है। और पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी मन के मन से पूरी तरह से हार चुकी है। और ये बात सारी जगह पर लिखित हो, मन के हारे हार है पूरी तरह पर लिखित हो रही है। ये बहुत अच्छा बात बोले, मैं चाहता था ये बात बोले कि वृक्षारोपण में आ गए, कहीं ना कहीं वृक्षारोपण लगाया जाए। मैं ये जानना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 49 करोड़ या 46 करोड़ अपने पौधा लगाया, ठीक है उसका भी अपना महत्व, वृक्ष काटना सर्वाइवल रेशियो भी देख लीजिए। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आज आपके मंच से कि कांग्रेस पार्टी ने रचनात्मक कार्य से क्या मुंह मोड़ लिया है? कितने वृक्ष आपने लगाए, कितने वृक्षों को आपने कहीं ने संरक्षित किया? ये मात आरोप लगाते हैं कि फलाना पेड़ जल गया, फलाना पेड़ मर गया पानी के अभाव में। आपने कितने पेड़ों को पानी दिया, कितने रचनात्मक कार्य से जुड़े हैं, आरोप लगाना आप जानते हैं? धनंजय जी जिस तरह से जो प्रश्न यहाँ उठाया है गौरीशंकर जी ने, सत्ता में आएंगे तभी आप क्या पेड़ लगाएंगे उसके? गौरीशंकर जी को छत्तीसगढ़ के और भारत के बारे में पूरी तरीके से जानकारी नहीं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। आजादी के बाद जो देश की स्थिति थी, अरे क्यों हरित क्रांति कौन लेकर आया? हरित क्रांति कौन लेकर आया? किसानों की बात कौन किया? किसान इसलिए काला हुआ क्योंकि इस राज्य में 3700 से ज्यादा हेक्टेयर जंगल की जमीन थी, उसको भारतीय जनता पार्टी को कब्जे में दे दिया गया है, इसलिए हर हुआ। जंगल किसने काटा? जंगल अगर किसी ने काटा है छत्तीसगढ़ में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कटवाया है अपने उद्योगपतियों को माइंस का फायदा दिलाने के लिए। अभी बीएसपी में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, एक मिनट की उसे कार्यक्रम के लिए न जाने कितने पेड़ों को काटा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी खुद स्पष्ट नहीं कर पा रही है तो पेड़ लगाना चाहती है कि पेड़ काटना चाहती है। सालों पुराने पेड़ को जो काट के एक छोटा सा पौधा लगाकर पर्यावरण बचाने का काम कर रहे हैं। घनत्व की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ का यहाँ पे नाम लिया जाता है। विकास जहाँ होता है वहाँ इस प्रकार की चीजें होती है, पेड़ लगाना पड़ता है, पेड़ काटना भी नहीं। विकास के लिए आप उजाड़ दो जिस तरह से जो यहाँ पे प्रश्न उठा रहे हैं, विकास के लिए ठीक है कुछ यहाँ पे विकास किस तरह से आपको करना, उसके लिए भी तो आपके मापदंड होने चाहिए। दो बातें कहना चाहता हूँ, बस्तर में देखिए बहुत साल पुराने पेड़ को काटा गया, उसका कारण जनसंख्या घनत्व तो बढ़ रहा है, लगातार वहाँ पे एक्सीडेंटल केस हो, नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है, उसी रोड से कांग्रेस के भाई जब फर्राटा दर गाड़ी से घूमता अलग बात है, लेकिन जहाँ जनसंख्या का घनत्व तो बढ़ रहा है, जहाँ पब्लिक की तो क्या मानते चलते हैं कि पेड़ को काटा जाना चाहिए? दूसरी बात कह रहा हूँ, बिल्कुल दूसरी बात में हम लोग दूसरे विषय पे आ रहे हैं, मैं उसी पे आ रहा हूँ, पेड़ में आ रहा हूँ। रेल लाइन जाती है वहां अगर पेड़ है, निश्चित तौर पर पेड़ कटता है क्योंकि वो लाइन वहां से डाइवर्ट नहीं हो सकती। पीएसटी लाइन है, पुल पुलिया है, सड़क मार्ग है, यहाँ पेड़ कटते हैं, लेकिन कटते हुए उससे डबल की तादाद में पेड़ लगाए जा रहे हैं, ये बात पूरी तरह सुनिश्चित की जा रही है। पूर्व बात को मैं मानता हूँ, बहुत से पेड़ क्षतिग्रस्त हुए, रख रखाव के बाद बहुत से पेड़ मरे भी, लेकिन अब इस बार
पूरी जिम्मेदारी तय की जा रही है व्यक्तिगत हितग्राहियों के हवाले पे, जो वृक्षारोपण हमने हरियर शक्ति का अभियान चलाया था उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है लगातार इस चीजों को। देखिए बात यहाँ पे किसी सरकार व्यक्ति विशेष का नहीं, मानव की पूरी सभ्यता का है, मानव जीवन का है, इस चीज में सरकार पूरी तरह। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा करें कि मौका आया तो आपने चौका लगा दिया है, पहले से ही घोषणा हो चुकी है कि प्री मानसून बारिश 3 दिन पहले पहुंच चुकी है। पिछले साल भी हुआ था, वो तो पिछले साल भी हुआ था लेकिन मानसून भटक गया। देखिए बात यहाँ पे उसकी नहीं हो रही है, कई बार ऐसा होता है कि अतिवृष्टि हो जाती है। आज देखिए जलवायु परिवर्तन के दौर से पूरा विश्व गुजर रहा है, आप देखिए कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी ज्यादा पानी, कभी कम पानी। लेकिन आप देखिए कि पेरिस जलवायु, तो आपने जलवायु पे बात की, अच्छी बात की, जलवायु परिवर्तन की बात की, पेरिस जलवायु समझौते में जिस तरह से जो उल्लंघन हो रहे हैं चाइना और भारत के द्वारा, उसको लेकर भी ताकीद किया गया है, काफी गंभीर स्थिति है। गांधी जी अभी पिछले माह ही पीसा फाउंडेशन के मॉडल को भी अपनाने का पूरा पूरा प्रयास किए हैं, जगत गुरु एमओयू भी किए हैं, और महानदी का जो कॉरिडोर है वहां पे हमने वृक्षारोपण का प्रारंभ भी कर दिया है। देखिए सरकार पूरी तरह गंभीर है। रायपुर शहर की बात करता हूँ तो 1 से 1.5 महीने पहले जो यहाँ पे प्रदूषण का जो मानक जो घनत्व था वो काफी कम हुआ, लेकिन पूरे देश में कैसे तो शामिल हो गए साहब, पूरे देश में रायपुर निकल गया लेकिन कई शहर शामिल भी हो गए, ऑक्सीजन भी हमने बनाया। इसीलिए ये सारी चीजें इस बात को दर्शाती है कि सरकार कहीं ना कहीं आज प्रदूषण को लेकर पर्यावरण को लेकर काफी गंभीर है और उस दिशा में लगातार कार्य कर रहे हैं। यज्ञ होना चाहिए, हवन होना चाहिए, निश्चित तौर पर हमारे धर्म, हमारे सनातन धर्म की बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस मामले में राजनीति का कहीं कोई स्थान नहीं है। जी क्या चुनावी साल आते ही बीजेपी को हिंदुत्व और तमाम चीजें याद आती है? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से इनके केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी ने कहा कि गए हैं तो चुनाव गणित से लड़ा जाता है, तो कई सारे गणित अपनाते हैं, गणित का हिस्सा ही है, ये भी गणित का हिस्सा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता 15 साल के जो होने जा रही सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार कमीशनखोरी से त्रस्त है, किसान परेशान है, युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं है, महिलाएं सुरक्षित है, महिलाएं कैसे कुछ सहल होंगे, किसान 1365 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। जब किसानों को पानी नहीं मिलेगा उसके पानी की बात कर रहे हैं, पहले बात सुन लीजिए ना, बात सुनिए, आपने जब बोला तो मैंने पूरी बात सुना, मैंने जब उन्होंने मुझे कहा मैं पूरी बात सुना, आप देखिए ध्यान से सुनने की सब्र कर लीजिए, मैं तो जवाब दे रहा हूं। गौरीशंकर नहीं है भाई, मेरा सवाल क्या क्या है, किनसे पूछे थे? हाँ ठीक है, ठीक है, एक करके आ जाते अपने धरने जी, कोई पूरी बात कर दीजिए। हाँ धरने जी आप बोलिए। जिस प्रकार से 1365 किसानों को आत्महत्या करना पड़ा मजबूरी में, फसल खराब हो गई, पानी उनको मिला नहीं, धमतरी के किसान पानी मांग रहे थे, उस पानी के इतने पीटा गया लाठी से उसको कि उसकी मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं कहने के तात्पर्य यह है, अगर छत्तीसगढ़ के हित में जो भी अच्छे काम होते हैं निश्चित तौर पर सारे कामों का कांग्रेस पार्टी समर्थन करती है, लेकिन आडंबर और चोचलेबाजी का कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। समर्थन किया कि नहीं किया किसी भी ऐसे काम का जिसमें बहुत अच्छा काम हुआ हो? अभी तक हुआ ही नहीं है, हमने अभी तक ऐसा काम हुआ ही नहीं है। आप किसानों को बोनस देने की बात किए, बोनस आपने दिया नहीं, कांग्रेस पार्टी सड़क में उतर के आंदोलन की तो दबाव में कुछ सालों का बोनस आपने उनको दिया। रोजगार की बात करते हैं, युवाओं को आपने रोजगार दिया नहीं, लगभग पंजीकृत और पंजीकृत 50 लाख से अधिक युवा बेरोजगार है, तमाम यहाँ पे आउटसोर्सिंग में आप भर्ती कर रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। डॉक्टर अमर सिंह का ऐसा कहना है कि यहाँ पर एक दशानन के लिए एक राम ही काफी है। निश्चित तौर पर बिल्कुल जी, देखिए दशानन को एक बुराई के तौर पर हम देखते हैं। अब बात यह कि भारतीय जनता पार्टी का सामर्थ्य करने की इनकी शक्ति बची नहीं है, इसीलिए 10 प्रकार के राक्षसों का आह्वान करके ये जितने भी काल देवी से लेकर जितना ही रावण नहीं रावण सबको बुला के शक्ति बना के भारतीय जनता पार्टी के सामने उपस्थित हो रहे हैं कि भाई अब हम अकेला तो नहीं लड़ सकते, अब सब आइए सब साथ में मिलते हैं। ये उसी का तारतम्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात कहा था, और ये जो बार बार कह रहे हैं कि आडंबर नहीं होना चाहिए, आडंबर नहीं होना चाहिए, तो मैं जानना चाहता हूँ गुजरात में कौन सा गणित था, ये मंदिर मंदिर घूमने लगे, ये जन्म दिखाने लगे, आडंबर किसने कहा, ये कौन सा गणित था, आडंबर किसने कहा, हमारे गणित की बात कर रही है, इनका चुनाव गणित था कि वहां गुजरात में ये आपके केंद्रीय मंत्री गणित बताने गए हैं, जाली टोपी लगाए हुए नजर नहीं है गुजरात, ये आप उस केंद्रीय की बात कर रहे हैं, वही क्या वो ये आपका कौन सा गणित था, क्यों आप केंद्रीय मंत्री गणित बोल के गए हुआ, हमने तो गणित नहीं कहा, हमने तो गणित नहीं कहा, हमको हमारा गणित नहीं सिखाई, आपका गणित नहीं सिखाया जा रहा, गणित भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है, सबके साथ सबका विकास, संगठन की पूरी तरह सर्वोच्चता को यहाँ पे जेपी नड्डा जी ने कल दर्शाया है, क्योंकि हमारे प्रदेश के प्रभारी भी रहे हैं, इसलिए आप अपने संगठन की बिल्कुल चिंता करिए, यहाँ पे बहुत लोग भागने को तैयार हैं और कोई किसी प्रकार का किसी के धार्मिक अनुष्ठान को लेकर इस प्रकार की राजनीति किया जाए गांधी जी, और बार बार किसानों की बात करके आत्महत्या की बात करके इस किसान यहाँ के प्रदेश के किसानों को अपमानित किया जा रहा है, यहाँ पे किसानों को 0% ब्याज ऋण देते हैं, किसानों के लिए यहाँ पे 37 से 57 योजनाएं चल रही है,
किसानों के हित और किसानों की सुसाइड को लेकर हमने काफी डिस्कशन किया है, काफी इस पर चर्चा हो चुकी है। आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं कि चुनावी साल यज्ञ हिंदुत्व को काफी अहम मानकर बीजेपी यहाँ पे आगे बढ़ने जा रही है। धनंजय जी का तो ये सवाल है कि आखिर एन मौके पर क्यों, जबकि प्री घोषणा हो चुकी है और ऐसे मौके पे तो सिर्फ मतलब कुल मिलाकर कहा जाए, मैं अपने शब्दों में नहीं कहना चाहता हूँ, अवसरवादी की जो राजनीति कही जाती है वो अक्सर देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि यज्ञ हवन करने से किसी प्रकार की अवसरवादिता दिखती है। सबका ये आस्था का विषय है, पार्टी का आस्था का विषय है। बड़े बड़े हमारे नेता हर साल यज्ञ हवन करते हैं। अब इनको हम इस बात का सर्टिफिकेट तो नहीं देंगे कि हम कब कहां यज्ञ करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है अगली बार से कांग्रेस पार्टी मुझे निमंत्रण तो आप पत्र भेज दो ना, अगली बार से कांग्रेस पार्टी नेता पर ये तो सिर्फ किसी एक के लिए नहीं है, किसी एक पार्टी के लिए नहीं, आप तो सभी पार्टी को आमंत्रित किया, सभी को आमंत्रित किया था, तमाम प्रकार के। क्या धनंजय जी को नहीं मिला होगा? धनंजय जी अब जाना नहीं चाहते, हो सकता है धनंजय जी को यज्ञ हवन में विश्वास ना हो, इनका अपना आस्था का विषय है, लेकिन पार्टी का भी किसी प्रकार का राजनीति है, कोई लाभ लेने की बात नहीं है, आस्था का विषय है। और उस आस्था के एकमात्र कारण पिछले बार आप देखेंगे गांधी जी तो यहाँ पे 96 तहसील सूखा ग्रस्त जी, और उसको ध्यान रखते हैं आप भी जाते आहुति डालने। देखिए कांग्रेस आपकी आहुति क्या होती, किसकी के लिए होती? देखिए हमको पर युक्त किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में जाने की आवश्यकता नहीं है। हम किसानों के हित के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए और मजदूरों को रोजगार मिले, छत्तीसगढ़ उन्नतिशील हो, विकासशील हो, इसके लिए हम स्वयं यज्ञ करने में सक्षम हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी से राय लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने विपक्षी दल के नेताओं के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए हैं, आसुरों का, रावणों का, और जिस प्रकार से अपने नेता को राम का है, तो ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी के राम समय समय में बदल जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो एक ही राम को जानती है और वो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी। हम उनके भक्ति करते हैं और उसके भक्ति के लिए हम अपने आप को, हमारी आस्थाओं को दिखाते हैं, और हमें उसकी भक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी से प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि उनका राम कौन है। क्या उनका राम रमन सिंह है? वहां इनका नेता बोलता है कि हमारा राम तो अमित जी की तरह है, हमारा राम तो मोदी जी की तरह है। तो भारतीय जनता पार्टी का गणित है, समय समय में इनके राम कौन ये बदल जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी और प्रदेश का एक ही राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी है, और मुनि के बताए मार्गों में चलते हैं। देखिए राम भगवान के नाम पर बड़ा बड़ा इन्होंने व्याख्यान दे दिया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, इनकी पार्टी ने राम भगवान की प्रमाणिकता को मानने से इनकार कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा डाल दिया था कि राम भगवान की कोई प्रसंगिकता नहीं है। तो ये आज राम भगवान के बारे में बड़ी बड़ी बात करेंगे मुख्य शोभा नहीं देता है। और जहां तक प्रदेश पूरे देश में देखिए राम भगवान आस्था का विषय है, इसको किसी नेता के तौर पर नहीं देखा था। आपके नेता ही आपके नेता को दे रहे हैं क्या? राम भगवान कड़ी पार थे? अरे आप तो क्या राम भगवान कड़ी पार थे? अरे आप राम भगवान का कड़ी पार थे? आपके नेता बोल रहे हो गोली मारने वाले लोग, कोई गोली गोली किसी ने नहीं मारा है, ये वही मिला के आडंबर है। धर्म के नाम से देश का माहौल खराब करने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, आज 15 साल से इनकी सरकार यहाँ पे है। राम मंदिर की बात कर रहे हैं, जब राम भक्तों को गोली मारा गया था शायद इनकी जानकारी में नहीं है। अंग्रेजों के समय से जो बंद मंदिर था उसके मंदिर के द्वार जो पूजा कर रहे, ये क्या बात करेंगे? राम भगवान तालपत्री में है, राम मंदिर के नाम से चंदा लेने वाले सत्खंडा मारेंगे, ये क्या बात करेंगे? पुल को तोड़ना चाहते थे, नागरिक करना चाहते थे, पार्टी है। गौरीशंकर जी, धनंजय जी, राम पे लाख सियासत हो जाए, लेकिन वही राम मंदिर है जिसका ताला राजीव गांधी जी ने खुलवाया था, ये स्वीकार नहीं करेंगे, खुलवाया स्वीकार नहीं करेंगे। इनके मन में पाप है, इनके मन में पाप है। निर्मोही अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा ने आरोप लगाया कि राम मंदिर के निर्माण से 14 करोड़ की राशि ने भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, इनका चुनावी जनता वो भारतीय जनता पार्टी का। धनंजय जी, लेकिन एक तरफ देखिए इस आवेश में, इस तरह से बातचीत में कुछ ऐसे से भी शब्द निकल जाते हैं जिसे आम जनता कहीं ना कहीं आप सीता मैया को लेकर जिस तरह से जो बातें कही गई, टेस्ट ट्यूब बेबी, पहली टेस्ट ट्यूब बेबी करा दिया गया, ये किस तरह की राजनीति है? इस तरह से बात निकल कर अब सामने आ जाती है, देखिए कहीं ना कहीं मर्यादा तो रहनी चाहिए राजनीति में। देखिए गांधी जी, उन्होंने दिनेश शर्मा जी ने किस तारतम्य में कहा उस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते मैं, छत्तीसगढ़ का प्रवक्ता देखा जाए तो लेकिन किस लिए कहा होगा, क्या भाव था इस बात की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जिस पार्टी ने
हलफ बनामा दिया सुप्रीम कोर्ट ने और इस बात को मानना इनकार कर दिया। ये सबसे बड़ी बात, इसका जवाब आज तक कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं दे पाते हैं। उसी राम नाम भले जप रहे हैं, ये कान में भी राक्षस है जो मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं। इनका चेहरा उजागर हो चुका है और जब जब राम नाम आता है भगवा कर क्या मानेंगे कि राजीव गांधी ने क्यों मंदिर खुलवाया? देखिए उस समय तीन तलाक का मामला उठा था, साहब आने वाला मामला, उससे पूरे देश के हिंदुओं में कहीं ना कहीं नाराजगी थी। और बाद में जब वहां के मौलाना को इन्होंने मौलाना की बात मानते हुए उस मामले को वापस लिया तो सॉफ्ट हिंदुत्व को टारगेट कर दो उन्होंने ताला खुलवाने के, हिंदू वोटरों को साधने का प्रकार का प्रयास किया, लेकिन नतीजे तक नहीं पहुंच पाए। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे देश को तोड़ने वाली पार्टी है और ताला खुलवा के कहीं ना कहीं इनका एकमात्र एजेंडा था कि जो तीन तलाक वाले मामले से ध्यान हटाकर हिंदुओं का वोट बंटवा जाए और उसमें कहीं तक कामयाब होते आए। लेकिन अब जनता इनका असली चेहरा पहचान गई है, इस काल ने का चेहरा प्रदेश की जनता देश की जनता अच्छी तरह से पहचान चुकी है और पूरी तरह को ध्वस्त करते हुए आज कहीं ना कहीं अर्थ से फर्श में लापटकी है। धनंजय जी देखिए पहली बात, इस बात का आपत्ति बार बार जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि विपक्षी दल के नेताओं जो राक्षस के लिए, इस बात मुझे कड़ी आपत्ति है। ये लोकतंत्र के लिए अशोभनीय जो इनका किया जा रहा है, इनको अपनी बर्ताव पे ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, राम मंदिर के नाम से 1400 करोड़ का चंदा खाने का आरोप निर्मोही अखाड़ा ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया है। कौन हिंदुओं के साथ भावनाओं के साथ खेल रहा है, कौन राम मंदिर के नाम से चंदा उगाही करके चुनाव लड़ रहा है, ये पूरी देश की जनता जान चुकी है। पहली बार अटल जी की सरकार बनी उसके पहले राम रथ लेके निकले थे आडवाणी जी, आज मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है, क्यों नहीं बनाते राम मंदिर? आप नोटबंदी लागू करने के लिए आधी रात को संसद खुलवा सकते हैं, आधी रात को संसद खुलवा सकते हैं, राम मंदिर निर्माण के लिए आपके मुंह में ताला क्यों नहीं जाता है? कुल मिला कुल समर्थन करें निश्चित तौर पर, इसका जवाब मैं देता हूँ, निश्चित तौर पर अध्यादेश का समर्थन करें, निश्चित तौर पर सवाल जवाब मैं दूंगा, लोकसभा में सवाल का जवाब मैं दूंगा, सवाल का जवाब मैं दूंगा, सवाल का जवाब मैं निश्चित दूंगा। 10 मिनट में चाहिए जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। आर्टिनेस लाने की जिम्मेदारी सरकार की है, अगर सरकार, आप सुनिए, आप सुनिए, आपके मन में काला चोर बैठा है, आप राम